होडल के घारमपट्टी गांव में इलाके में सड़कों पर भरा हुआ पानी लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। लोग परेशान हैं, आने जाने में तकलीफ होती है, बच्चों को स्कूल आने जाने में तकलीफ होती है। कई बार स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार इस मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के सामने गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। उस पर पेश है रिपोर्ट। सड़कों पर लबालब भरा पानी और फैली गंदगी की ये बदहाल तस्वीर होडल के घारमपट्टी इलाके की है। इस इलाके में पानी का सितम लोगों को खूब सता रहा है। पानी की निकासी न होने के चलते इलाके का गंदा पानी सड़कों पर ही जमा हो रहा है। इलाके के लोगों का कहना है कि बच्चों को स्कूल लाने ले जाने में काफी दिक्कतें होती हैं। इन हालातों में बीमारियों के फैलने का भी डर बना हुआ है, तो वहीं इस समस्या के चलते कई बार हादसे भी हो चुके हैं। एक तो नाली खराब है बिल्कुल जी, पानी की निकासी नहीं है हमारे यहाँ सिकन। छोटे छोटे बच्चे जाएं स्कूल के, वे सुबह सुबह ही मतलब ये जूता आनते हैं, उनसे पूरे परेशान भरे सब सब गिर जाएं इसमें। परेत्या में जब भी गिर जाएं, दो स्कूल हैं यहाँ सिकन, तीन तीन साल, चार चार साल के, पाँच पाँच साल के बच्चे ने निकाल रहे हैं यहाँ सिकन थे। इलाके के लोगों का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार प्रशासन और अधिकारियों को गुहार लगाई गई है, लेकिन प्रशासन और अधिकारी इस समस्या को गंभीरता से नहीं लेते। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो। एसडीएम ते हमने कह ली, प्रधान ते हमने कह ली जी, मेंबर ते हमने कह ली, सब ते शिकायत कर ली, कोई सुनवाई नहीं हमारी। बहरहाल इलाके की इस तस्वीर से इतना तो जाहिर है कि अपने आप को नंबर एक राज्य का तमगा देने वाले नेता प्रदेश की असली तस्वीर से कितने दूर हैं। जनता टीवी के लिए होडल से हरिओम भारद्वाज की रिपोर्ट।